बांस का गांव। रौनकपुर एक बहुत ही खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और मेहनती थे। ज्यादातर गांव वाले खेती करते थे। अरे भाई संजीव, कल तेरे खेत पूरे जुते नहीं थे, चल आज जोत देते हैं। हाँ भाई चलो, आज मेरे खेतों का काम खत्म करेंगे और कल तुम्हारे वाले का कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, कल मनोज की मदद करेंगे और फिर आखिर में मेरा खेत जोत देंगे। रौनकपुर के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे और शायद यही कारण था कि रौनकपुर बहुत ही खुशहाल था। यहाँ की औरतें भी एक दूसरे से मनमुटाव नहीं रखती थी। अरे पूनम, घर पे है क्या? जी दीदी आई। ये ले, सुबह खीर बनाई थी, मुन्ना को बहुत पसंद है ना, तो सोचा मनोज के लिए भी ले आऊं। तेरे ब्याह से पहले वो अक्सर मेरे घर खीर खाने आता था, उसे मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है। बहुत अच्छा किया दीदी, एक मिनट ठहरिए। पूनम भीतर गई और कुछ लेकर आई। कल मैं बाजार गई थी और वहाँ मुझे मुन्ना के मनपसंद बताशे मिले, आप उसे ये दे दीजिए। ठीक है। गांव के बुजुर्गों को अपनी परवरिश पर नाज था। हमारा गांव कितना खुशहाल है, होगा कैसे नहीं, ये सब हमारे संस्कार है। अब वो तो है, बच्चों में आपस में इतना प्रेम है कि ये सब एक साथ एक ही परिवार की तरह रहते हैं। हाँ, एक बड़ा परिवार, रौनकपुर परिवार। कहते हैं ना, खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं टिकती, और इनके साथ भी यही हुआ। एक रात तेज आंधी चलने लगी, आंधी के साथ तूफान चल पड़ा। गांव वाले डर गए। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जगह जगह पेड़ और घर गिरने लगे। सबको गांव के मंदिर ले आओ, अब भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। गांव के मर्द सभी को मंदिर तक ले जाने लगे। गांव का मंदिर बहुत ही पुराना था और ये मंदिर एक गुफा के अंदर बना था। बाहर हो रहे आंधी तूफान का मंदिर पर कोई असर नहीं था। गांव के सारे लोग मंदिर के अंदर सुरक्षित थे। लगातार कई घंटों तक आंधी तूफान थमा नहीं। एक एक करके गांव के सारे घर जमीन दोज हो गए। अगली सुबह जब आंधी थम गई तो गांव वाले गुफा वाले मंदिर से बाहर आए और अपने गांव की हालत देखकर रो पड़े। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुझसे हमारी खुशी नहीं देखी जाती क्या भगवान? अब हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? एक बार फिर सब चीजों को शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन हम खाएंगे क्या, हमारी तो फसल ही बर्बाद हो गई। भगवान हमारी मदद करेंगे, हम यूं ही हार कर नहीं बैठ सकते, हमें खुद ही अपनी परिस्थिति बदलनी होगी। हाँ बेटा, हम सबको मिलकर एक बार फिर से रौनकपुर बनाना होगा। गाँव वाले चिंतित थे पर वो जानते थे कि अब उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा। मुन्ना तुम खेतों में जाकर देखो, जो कुछ भी बचा हो वो समेट लो, मैं और संजीव जंगल जाते हैं, हमें सर पर छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लगेगी। हम औरतें भी खाना बनाने की चीजों का इंतजाम करती हैं। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे अशोक। ठीक है काका। गांव वाले अलग अलग काम में बट गए। मनोज के साथ कुछ लोग खेतों में अच्छी फसल निकालने गए। अशोक, संजीव और काका जंगलों की ओर चले गए। काका, सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। होनी को कौन डाल सकता है अशोक, लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम छत कैसे बनाएंगे? हमारे जमाने में तो बांस के घर बनाना सबसे आसान काम था, हमें भी वैसे ही बांस का घर बनाना चाहिए जिससे जल्द से जल्द गांव वालों के सर पे छत हो। जी काका, यही सही रहेगा, और इस जंगल में बांस के पेड़ भी हैं, मुझे पता है वो कहाँ है। अशोक उन लोगों को बैम्बू के पेड़ों के पास ले आया। अरे वाह, इतने सारे बैम्बू के पेड़, इससे तो हम पूरा गांव बना सकते हैं। पर इतने सारे पेड़ काटकर गांव बनाने में हम सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। चिंता मत कर संजीव, हम सब एक दूसरे का साथ देंगे और देखना जल्दी ही गांव बन जाएगा। तीनों ने मिलकर बैम्बू काटने का काम शुरू किया। बैम्बू मोटे मोटे थे जिन्हें काटने में उन तीनों के पसीने छूट रहे थे। एक बैम्बू काटने में इतनी मेहनत, बाप रे। अभी मैं काटता हूँ, तू थोड़ा आराम कर, ठीक है? वो लोग बारी बारी बैम्बू काट रहे थे। कई घंटे बीत गए पर अब तक कुछ ही बैम्बू काट पाए थे। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, वो आखिरी मोटा वाला बैम्बू काटते हैं और फिर गांव लौट चलते हैं,
ठीक है काका। तीनों मिलकर एक मोटा वाला बांबू काटने लगे। तीनों थके हुए थे पर फिर भी अपनी पूरी ताकत से बांबू काट रहे थे। बांबू आधा ही कटा था कि उसमें से खून बहने लगा। ये क्या? रुको! उन लोगों को किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है। क्षमा कीजिए, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तूफान में हमारा गांव बर्बाद हो गया, बस घर बनाने के लिए बांस काटने आए थे। हमें क्षमा कर दीजिए। तभी उनके सामने बांस की देवी आई। बांस की देवी के तेज से जंगल प्रकाशित हो गया। देवी ने सबसे पहले उस बांस के पेड़ को ठीक किया। खून बहना बंद हो गया और रोने की आवाज भी थम गई। क्षमा कर दीजिए देवी, हमें पता नहीं था। रोने की आवाज सुनकर तुम लोग थम गए। इससे तो अच्छे इंसान, इससे तुम अच्छे इंसान हो ये साबित होता है। ये कोई आम बांस का वृक्ष नहीं है, बल्कि ये जादुई बांस का वृक्ष है। जब तक ये वृक्ष इस जंगल में है, इस जंगल का संतुलन बना रहेगा। अच्छा हुआ हमने इसे पूरा नहीं काटा, वरना हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। वैसे तुम इस जंगल में क्यों आए हो? कोई कभी यहाँ बांस काटने तो नहीं आता? हमारी मजबूरी है। कल रात के आंधी तूफान में हमारा गांव तहस नहस हो गया। रहने के लिए सर पर अब छत नहीं है, इसलिए हम बांस की लकड़ियां लेने यहाँ आए थे। मैं तुम्हारी ये समस्या सुलझा सकती हूँ। तुम्हें जितनी बांस की लकड़ियां चाहिए, वो हर दिन सुबह तुम्हारे गांव के बाहर तुम्हें मिलेगी। पर तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि तुम इस जादुई बांस के पेड़ और इस जंगल के रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताओगे। हम वचन देते हैं। तीनों ने बांस की देवी को वचन दिया और वहां रखी बांस उठाकर अपने गांव लौट आए। अगली सुबह जब वो उठे तो गांव के बाहर ही ढेर सारी बांस की लकड़ियां थी। इतनी तो हम भी नहीं काट सकते थे। धन्यवाद बांस की देवी। और फिर गांव वाले मिलकर बांस से घर बांधने लगे। सभी लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। ये लो दादी माँ, तुम्हारा घर तैयार है। भगवान तुम लोगों का हमेशा भला करे बेटा। एक एक करके सभी के घर तैयार हो गए। गांव वाले बहुत खुश थे। सोचा नहीं था कि समस्या से इतनी जल्दी उभर पाएंगे हम। ये सब सारे गांव वालों की मेहनत से हुआ है। उस दिन गांव वालों ने उत्सव मनाया और फिर अपने अपने घर में जाकर सो गए। रात को फिर से तेज आंधी बहने लगी और तूफान भी लौट आया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर रहा है? एक बार फिर हमें बेघर करना चाहती हो क्या? हे भगवान, क्या ये बांस के घर इस आंधी तूफान को झेल पाएंगे? मुखिया जी ने घर से बाहर झाँका तो बाहर तो तेज आंधी तूफान थी, पर बांस के घर को कुछ नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है? इन बांस के घर पर तो आंधी तूफान भी विफल हो गए। इसका राज बस तीन लोगों को पता था, अशोक, संजीव और काका। तूफान थमने के बाद गांव वालों ने उन तीनों से पूछा, आखिर माजरा क्या है? इन बांस के घर को कुछ नहीं हुआ। इन बांस के घरों के सामने आंधी तूफान भी फीके है, पर इसका राज हम बता नहीं सकते। हमने वचन दिया है, आप लोगों को बस यही बोलेंगे कि जब तक हम इन बांस के घरों में रहेंगे, हम सुरक्षित है। ठीक है, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रनकपुर एक बार फिर खुशहाल गांव बन गया था। अब कोई आंधी और तूफान उनके गांव को तहस नहस नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका गांव अब कोई आम गांव नहीं, बल्कि जादुई बांस का मजबूत गांव था। अहियापुर गांव में भीमा और प्रताप ने साथ ही एक छोले भटूरे की रेड़ी डाली। भीमा और प्रताप बचपन के दोस्त थे। वो दोनों मिलकर काम किया करते थे और मुनाफा भी आधा आधा बांट लेते थे। ये ले भाई, इस महीने का आधा मुनाफा। अच्छा है, मुनाफा बढ़ता जा रहा है। दोनों दोस्त हमेशा मुनाफा बढ़ाने के बारे में सोचते थे। भीमा पैसे लेकर घर गया। उसने पैसे विमला को दे दिए।
इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आपका मुनाफा ऐसे ही बढ़ता रहे। भीमा का परिवार खुश था। वहीं जब पैसे लेकर प्रताप घर गया, देख रही हो इस बार कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है। क्या देखूं, आधे पैसे तो वो भीमा ले जाता है। सोचो अगर पूरे पैसे तुम्हें मिलते तो तुम हर महीने मेरे लिए गहने बनवाते, पर क्या फायदा, तुम दिन भर इतनी मेहनत करो और बस आधा ही मुनाफा कमाओ। ऐसे क्यों बोल रही हो, भीमा भी तो मेरे जितनी ही मेहनत करता है। हाँ पर रेड़ी आपकी, पैसे आपके और आधा मुनाफा वो कमाए, ये तो गलत बात है ना। इससे तो अच्छा होता कि आप उसे पगार देते। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कैसे सोचेंगे, आप इतने भोले जो हैं, और वो भीमा आपके भोलेपन का फायदा उठा रहा है। मैं कल ही उससे बात करता हूँ। केतकी ने प्रताप के कान भर दिए थे। वो चाहती थी कि प्रताप को ही पूरा मुनाफा मिले। अगली सुबह जब दोनों ने रेड़ी खोली, सुन भाई ये रेड़ी मेरी है, इस व्यापार के लिए पैसे भी मैंने लगाए, तो इस नाते ये व्यापार सिर्फ मेरा हुआ। अगर तुझे यहाँ काम करना है तो मैं तुझे तनख्वाह दे सकता हूँ, पर मुनाफे में भागीदारी नहीं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया भाई? मेरी आंखें खुल गई है, तू मेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। भाई इस व्यापार को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है। तूने जो मेहनत की उसके पैसे तुझे मिल गए, लेकिन ये ठेला मेरा है, तुझे जमता है तो पगार पे काम कर ले। नहीं भाई, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। तो जा, चलता बन, मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और को नौकर रख लूंगा। ये बात सुनकर भीमा निराश हो गया। वो उदास होकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को ये बात बताई। पता नहीं आज अचानक प्रताप भाई को क्या हो गया, वो मुझे नौकर की तरह काम करवाना चाहता है। मैं सब जानती हूँ, ये सब उसकी पत्नी का किया धरा है। कोई जरूरत नहीं है उसके पास नौकरी करने की, आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। हाँ उम्मीद तो है, चलो मैं बाजार में काम देख कर आता हूँ। भीमा बाजार में गया और कई दुकानदारों से काम के बारे में बात की, पर किसी के पास भीमा के लायक कोई काम नहीं था। भीमा उदास हो गया। सांझ होते ही भीमा घर लौटा। भीमा का चेहरा देखकर विमला समझ गई थी कि उसे कोई काम नहीं मिला है। आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको आज काम नहीं मिला है तो कल मिल जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए। अगले कुछ दिनों तक भीमा यहाँ वहाँ काम की तलाश में घूमता रहा, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। यहाँ प्रताप ने एक बावर्ची को काम पर रख लिया था और उसका छोले भटूरे का ठेला पहले से भी अच्छा चल रहा था। एक शाम की बात है, तो हमारे बचत के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना ही होगा। मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मुझे छोले भटूरे के सिवा कुछ बनाना आता ही नहीं है। तो पापा आप वही बनाइए। क्या? सही तो कह रही है बच्ची, आप भी अपने छोले भटूरे की रेडी डाल दीजिए, रेडी खोलने के पैसे तो है ही हमारे पास। पर मैं अकेली रेडी कैसे संभालूंगा? मैं और शीतल है ना, हम आपकी मदद कर देंगे, और क्या पता अगर भगवान की कृपा रही तो आपकी रेड़ी बहुत मशहूर हो जाएगी। हाँ रेड़ी तो मैं खोल ही सकता हूँ। विमला ने भीमा को प्रोत्साहित कर दिया। अब वो खुद की छोले भटूरे की रेड़ी खोलने वाला था। कुछ दिनों बाद भीमा ने गांव के बाजार के बीचों बीच अपनी छोले भटूरे की रेड़ी लगाई। उसकी पत्नी विमला भी उसकी मदद कर रही थी। विमला भटूरे तल रही थी। अरे आओ आओ, स्वादिष्ट और गर्मा गर्म छोले भटूरे खाओ, आओ आओ। भीमा की आवाज गांव वालों के लिए जानी पहचानी थी, इसलिए गांव वाले तुरंत उसकी रेड़ी पर आ गए। अरे भीमा भैया, आप खुद अपना बिजनेस खोल लिए, लगाइए एक प्लेट छोले भटूरे। जी। भीमा ग्राहकों को छोले भटूरे देता गया। भैया आपके हाथ के छोले भटूरे की बात ही अलग है, हम तो ये स्वाद मिस कर रहे थे। भीमा खुश था कि गांव वाले उसके ठेले पर छोले भटूरे खा रहे थे, पर ये बात जब प्रताप को पता चली, अच्छा तो अब ये मेरा धंधा खाना चाहता है, अब इसे बताता हूँ मैं।
प्रताप ने छोले भटूरे का दाम 30 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया। अब सारे गांव वाले यहीं आएंगे। अब आएगा मजा। प्रताप के दाम घटते ही गांव वाले उसकी रेड़ी पर जाने लगे। प्रताप का प्लान काम कर रहा था। अब भीमा परेशान हो गया। 20 रुपए प्लेट बेचकर उसे बहुत ही कम मुनाफा होने वाला था। अब क्या करें, 20 रुपए में प्लेट तो नहीं बेच सकते ना। थोड़ा सब्र करते हैं, हो सकता है कि एक दो दिन में वो भी दाम बढ़ा दे। 20 रुपए प्लेट में तो उन्हें भी नहीं जमेगा। हाँ हो सकता है, वैसे भी गांव वालों को मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद हैं, तो वो यहाँ जरूर आएंगे। भीमा ने दाम नहीं घटाए और इस वजह से भीमा के ठेले पर बहुत कम ग्राहक आ रहे थे। भीमा और विमला परेशान थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और उनकी कुछ खास कमाई नहीं हुई थी। अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर क्या करें? तभी उनके ठेले पर एक फकीर आता है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेटा, बहुत भूख लगी है। आप बैठिए बाबा, मैं भटूरे छानती हूँ। विमला ने भटूरे बनाए और भीमा ने छोले भटूरे फकीर बाबा को दे दिए। फकीर काफी भूखा था, उसने फटाफट सारा खाना खा लिया। और लाऊं बाबा? नहीं बेटा, बहुत है, मेरी भूख शांत हो गई। तूने इस गरीब का पेट भरा है, अल्लाह तेरा भला करे। तू इतना परेशान क्यों है बेटा? अब क्या बताऊं बाबा, गांव में एक और छोले भटूरे वाला है, उसने छोले भटूरे का दाम घटा दिया और सारे गांव वाले वहीं जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये धंधा बंद करना पड़ेगा बाबा। चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तूने मुझ गरीब का पेट भरा है, अल्लाह तेरा दामन हमेशा भरा रखे। ऐसा कहकर उस फकीर ने अपने बोतल का थोड़ा सा पानी तेल की कढ़ाई में डाल दिया। आपने तेल में पानी क्यों मिलाया बाबा? ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, जादुई पानी है। अब से तू जो भी इस कढ़ाई में बनाएगी उसका आकार बड़ा हो जाएगा। विमला ने एक भटूरा तेल में डाला और डालते ही वो भटूरा कढ़ाई जितना बड़ा हो गया। हे भगवान, इससे तेरी सारी परेशानियां सुलझ जाएगी बेटा। अल्लाह मालिक, मैं चलता हूँ। फकीर बाबा विमला और भीमा को आशीर्वाद देकर चले गए और बड़े बड़े भटूरे देखकर गांव वालों की भीड़ लग गई। इतने बड़े भटूरे मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं खाए। भीमा ने दाम बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए। फिर भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ प्रताप अपने नौकर पर चिल्ला रहा था। अबे, उस भीमा की तरह बड़े बड़े भटूरे बना। मालिक, मैंने बहुत कोशिश की पर बन ही नहीं रही। मुझे नहीं पता, तू कुछ भी करके बना वरना तुझे काम से निकाल दूंगा। प्रताप के नौकर ने बहुत कोशिश की पर उसके बड़े भटूरे फूलते ही नहीं थे। धीरे धीरे प्रताप के ठेले पर ग्राहक कम हो गए और भीमा के ठेले पर बहुत ग्राहक बढ़ गए। दूर दूर से लोग भीमा के बड़े छोले भटूरे खाने आने लगे। भीमा मशहूर हो गया और अमीर भी। अब उसके दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे।